हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हमारे साइट पर नई क्रेन आती है तो उसका हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि हाइड्रा क्रेन, जिसे हम फराना कहते हैं, उसका हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि चेन स्लिंग का हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि सिंथेटिक यानी कि जो वेब स्लिंग होती है उसका हम इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि वायर रोप स्लिंग का इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे साइट पर क्रेन के जरिए लिफ्टिंग का जो काम है वो ज़्यादातर होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर काम कर रही है, जिसकी वजह से हम लिफ्टिंग हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो क्रेन है वो सेफ वहाँ पर है कि नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता होगा, तो हमें क्रेन का इंस्पेक्शन उसके लिए जो है वो करना होता है। तो क्रेन के इंस्पेक्शन के लिए हमें तीन चीज़ें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर हमें ये पता चल पाएगा कि जो भी क्रेन हमारे साइट पर आई हुई है वो काम करने के लिए सेफ है या नहीं है। तो वो तीन चीजें कुछ इस प्रकार है। नंबर पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी नई क्रेन हमारे साइट पर काम करने के लिए आती है तो वो क्रेन के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्रेन के साथ में जो भी ऑपरेटर है तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन की कंडीशंस, यानी कि जो भी क्रेन यहाँ पर हमारे साइट पर आई है तो वो जो क्रेन है उसकी कंडीशन किस प्रकार है वो हमें चेक करना होता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इसको हमें चेक करना होता है, और ये जब तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्लियर हो जाती है तभी हमें जो है उस क्रेन ऑपरेशन के लिए परमिशन देनी होती है। तो चलिए अब जानते हैं इसको डिटेल्स में कि क्रेन डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, क्रेन ऑपरेटर के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और क्रेन की कंडीशंस जो है वो हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रेन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जैसे ही हमारे साइट पर कोई अगर नई क्रेन आती है तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो जो क्रेन है उसका TPI सर्टिफिकेट वहाँ पर है क्या। अब TPI सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो वहाँ पर है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है PUC, तो ये जो है ये क्रेन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो क्रेन ऑपरेटर उस क्रेन के साथ में है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस वैलिड है क्या, वो हमें चेक करना होता है। अब क्रेन जो है वो हेवी मोटर व्हीकल में आती है, यानी कि उसका HMV का वैलिड लाइसेंस है क्या वो हमें वहां पर चेक करना होता है। फिर उसके बाद है ऑपरेटर का TPI सर्टिफिकेट है क्या, यानी कि उसका कॉम्पिटेंसी कार्ड जो है वो उसके पास है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन ऑपरेटर के पास उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तो वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद आता है आई टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि क्रेन ऑपरेटर का आई टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्रेन ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है क्रेन के कंडीशंस को। तो क्रेन की कंडीशंस हमें कैसे पता चलेगी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्रेन का हुक और हुक लैग जो है वो हमें चेक करना होता है कि उसकी जो कंडीशंस है वो सही है या नहीं है। फिर उसके बाद है कि क्रेन के अंदर SLI जो इंडिकेटर है उसकी कंडीशंस जो है वो हमें चेक करना होता है, SLI यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्रेन के अंदर लोड चार्ट है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो भी मूविंग पार्ट्स हो या फिर रोटेटिंग पार्ट्स हो वो गार्डेड है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो वायर रोप होता है उसकी कंडीशन सही है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि हमें क्रेन में जो भी लिमिट स्विचेस है उसको हमें चेक करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, जिसमें आता है ओवरलोड लिमिट स्विच हो गया, बूम लिमिट स्विच हो गया, और बूम लिमिट कट ऑफ स्विच हो गया। तो ये जो है ये वर्किंग कंडीशन में है क्या वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्रेन का हाइड्रोलिक जो सिलेंडर है उसकी कंडीशंस कैसी है वो हमें चेक करना होता है। उसमें हमें देखना होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में कहीं पर लीकेज तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्रेन की जो बैटरी है और क्रेन के जो लैंप्स है यानी कि जो लाइट्स है उसकी कंडीशन सही है और वो वर्किंग कंडीशन में है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद है कि क्रेन का जो रिवर्स हॉर्न हो या फिर स्विंग हॉर्न हो वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है।
और फिर उसके बाद है कि क्रेन के जो आउटरिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो सारे पॉइंट्स है इसके जरिए हम क्रेन की कंडीशंस जो है वो कैसी है उसका पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने में ये हाइड्रा है, लेकिन साइड पर जब भी कोई नया हाइड्रा या फिर जिसे हम फराना भी कहते हैं या फिर पिक एंड कैरी क्रेन भी कहते हैं, तो वो जब भी साइड पर हमारी पहली बार आती है तो सबसे पहले हमें उसकी कंडीशन कैसी है वो चेक करना होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, और उस हाइड्रा को जो चला रहा है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है क्या उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमें चेक करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक कर लेते हैं और ये चेक करने के बाद जब हमें लगता है कि ये सारी कंडीशन ओके है, तभी हमें उस हाइड्रा को साइड पर काम पर लगाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें हाइड्रा के इंस्पेक्शन के वक्त पता होना बहुत ही जरूरी है, जो हम हाइड्रा के इंस्पेक्शन के वक्त चेक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाइड्रा का जो हुक होता है उसमें लैच होना चाहिए, जो हमें देखना होता है। जैसा कि आप इमेज में एक नंबर का पॉइंट देख सकते हो जहां पर हुक लैच दिया हुआ है। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट है वो है हॉइस्ट लिमिट स्विच। तो हॉइस्ट लिमिट स्विच जो है वो हाइड्रा में लगी है क्या वो आपको देखना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 2 जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है हॉइस्ट लिमिट स्विच को, तो वो आपको चेक करना होता है। फिर उसके बाद का थर्ड पॉइंट है कि हाइड्रा क्रेन के ऊपर जो है सेफ वर्किंग लोड जो कैपेसिटी है वो मार्क होनी चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 3 जो है वो इंडिकेट कर रहा है सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हाइड्रा की। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वायर रोप और जो स्लिंग है वो डैमेज से फ्री होना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 4 जो है वो इंडिकेट कर रहा है वायर रोप और स्लिंग को, तो इसमें हमें चेक करना होता है कि इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हाइड्रोलिक पार्ट्स में कोई भी ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 5 जो है वो इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोलिक पार्ट को, तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि कोई भी ऑयल यहाँ पर लीक नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें देखना होता है हाइड्रा क्रेन में कि उसके जो टायर है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 6 जो है वो इंडिकेट कर रहा है हाइड्रा क्रेन के टायर को। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें देखना होता है कि हाइड्रा के जो हेड और टेल लैम्प्स है उसकी कंडीशन को, यानी कि वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 7 जो है वो इंडिकेट कर रहा है हाइड्रा के हेड और टेल लैम्प्स को, क्योंकि जब भी हम हाइड्रा का इस्तेमाल नाइट शिफ्ट में करते हैं तो उस वक्त हमें हेड और टेल लाइट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। जब वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा तभी हमें काम की परमिशन देनी होती है। फिर उसके बाद हमें हाइड्रा में चेक करना होता है कि उसका फ्रंट और रिवर्स हॉर्न जो है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है हाइड्रा के बूम स्ट्रक्चर के कंडीशन को कि जब वो फुल एक्सपेंशन होता है तो उसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 9 जो है वो इंडिकेट कर रहा है बूम स्ट्रक्चर को। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ऑपरेटर केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो भी हमें चेक करना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि नंबर 10 जो है वो इंडिकेट कर रहा है ऑपरेटर के केबिन को। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हाइड्रा की थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है क्या, वो भी हमें चेक करना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हाइड्रा का वैलिड इंश्योरेंस है क्या, वो भी हमें चेक करना होता है। और फिर उसके बाद हमें देखना है कि हाइड्रा जो ऑपरेटर चला रहा है उस ऑपरेटर के पास वैलिड लाइसेंस है क्या, वो भी हैवी ड्यूटी का, वो हमें चेक करना होता है। तो इस प्रकार जो है ये सारे पॉइंट्स आपको हाइड्रा में चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी चेन स्लिंग होती है उसका हमें कैसे इंस्पेक्शन करना है और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी चेन की लिंक्स है वो हीट की वजह से कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है, तो वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस चेन में कहीं ट्विस्टेज तो नहीं है या फिर वो जो लिंक है वो डैमेज तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लिंक्स है उसमें मोर देन 10% उस डायमीटर में वेयर है तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं क्रैक तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं स्पॉट वेल तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी लिंक्स है उसमें कहीं कट तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि वो जो चेन है उसमें कहीं नॉटेड तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं उस चेन स्लिंग में। चलिए अब जानते हैं कि सिंथेटिक जो स्लिंग होती है उसका हम कैसे इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें हम क्या क्या पॉइंट चेक कर सकते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको चेक करना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो काम के लिए, तो वो किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आकर डैमेज तो नहीं हुई है, वो आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी स्लिंग है उसका इंटरनल वेयर या फिर उसमें कोई एब्रेशंस तो नहीं आया है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है उसकी जो स्टिचिंग है उसमें कहीं डैमेज तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग का जो एरिया है वो कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है हीट की वजह से, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो जो सिंथेटिक स्लिंग है उसमें कहीं पर टीयर्स यानी कि फटा हुआ तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो भी सिंथेटिक स्लिंग है उसमें जो भी लेबलिंग है कि जिसके ऊपर उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी लिखी हुई रहती है, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई है या फिर वो अनरीडेबल तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद आपको देखना है उस सिंथेटिक स्लिंग का आय, और उसमें आपको देखना है कि वो आय कहीं पर डैमेज तो नहीं है, वो आपको इंश्योर करना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको चेक करना है सिंथेटिक स्लिंग में आपको। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी सिंथेटिक स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए और उसमें ये जो पॉइंट्स अगर आते हैं, इसमें से कोई भी अगर पॉइंट्स आता है, तो उस कंडीशंस में आपको उस स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करना है काम के लिए। चलिए अब जानते हैं कि जो भी फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप स्लिंग है उसका हम किस प्रकार इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है उस स्लिंग में कि कहीं पर वहां पर बर्ड केजिंग तो नहीं आया हुआ है, वो आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद आपको उस स्लिंग में देखना है कि उस स्लिंग में कहीं क्निंग तो नहीं है या फिर कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग का जो एरिया है वो कहीं अफेक्टेड तो नहीं हुआ है हीट की वजह से, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग में कहीं क्रश तो नहीं है या फिर उसके जो स्ट्रैंड्स है वो जाम तो नहीं हुए हैं, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ उसमें ब्रोकन वायर्स हैं जो डेंजरस कंडीशंस में है, वो भी आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उस स्लिंग के ऊपर कहीं कोरोजन तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें चेक करना है कि उस स्लिंग के ऊपर कहीं एब्रेशंस या फिर कोई कोर कोलैप्स तो नहीं है, वो भी आपको उसमें चेक करना है। और लास्ट में आपको चेक करना है कि जो भी स्लिंग की स्प्लाइसेस है उसमें कहीं डैमेज तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको चेक करना है जब भी आपको इस्तेमाल करना है फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप का। और इसमें से अगर एक भी पॉइंट्स अगर उस स्लिंग में है तो उस कंडीशंस में आपको उस स्लिंग का काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि क्रेन का इंस्पेक्शन, हाइड्रा क्रेन का इंस्पेक्शन, चेन स्लिंग का इंस्पेक्शन, वेब स्लिंग का इंस्पेक्शन और वायर रोप स्लिंग का इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।